जय माता दी। धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी कामनाएं हमारे परिवार की तरफ से। माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, भगवान धन्वंतरी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। धनतेरस के दिन बहुत ही सुंदर पूजा होती है और बहुत सरल तरीके से मैं इस पूजा में आप सभी को सब कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले स्थान को पवित्र कर ले और थोड़ा सा डेकोरेशन करना चाहते हैं तो वो कर ले, और इसके बाद में हमें अक्षत फैलाने हैं और उसके ऊपर संपूर्ण लक्ष्मी यंत्र आपके पास हो तो आप रखें, न हो तो आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जो भी हो आपके पास वो स्थापित करें। इसके बाद में हम एक लाल या पीला वस्त्र जो बिछाया है उसके बीच में एक चावल की अक्षत की ढेली रख लेंगे और उसके ऊपर कुबेर दीपक प्रज्वलित करेंगे और दो सुपारी रखेंगे, एक कुबेर देवता का स्थापना करेंगे और एक हम धन्वंतरी भगवान का स्थापना करेंगे। अगर आपके पास उनकी मूर्ति और विग्रह हो तो आप वो भी स्थापना कर सकते हैं। तो हमने भावपूर्ण पहले उनको जल से स्नान करवा दिया है, जल में गंगा जल डाला है और वस्त्र अर्पण कर दिए हैं। भगवान धन्वंतरी को मैंने हरे कलर के मौली स्वरूप वस्त्र अर्पण किया है क्योंकि भगवान धन्वंतरी को हरा कलर अति प्रिय है। इसके बाद में सभी को मैंने तिलक लगा दिया है। गणेश जी को ऑरेंज सिंदूर से और चंदन से, कुबेर देवता को और भगवान धन्वंतरी को भी चंदन से तिलक लगाया है। गणेश जी को, माता लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम से तिलक लगाया है। इसके बाद में सभी को मैं अक्षत अर्पण कर दूंगी। अक्षत अर्पण कर देने के बाद में अब मैं गणेश जी को, कुबेर देवता को और भगवान धन्वंतरी जी को मैं यहाँ जनेऊ अर्पण करूँगी। जनेऊ अगर आपके पास न हो तो आप कच्चा सूत लेकर उसको 5 बार लपेटकर वो भी अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद में मैं पुष्प अर्पण करूँगी। तो यहाँ पर सभी को पुष्प अर्पण करने हैं और धनतेरस के दिन संपूर्ण लक्ष्मी यंत्र की आप स्थापना कर सकते हैं, कुबेर यंत्र की स्थापना कर सकते हैं और आज के दिन धनिया लाया ही जाता है। और इसी के साथ अभी हम यहाँ पर कुबेर दीपक को भी प्रज्वलित करेंगे। कुबेर दीपक को घी से या फिर तिल्ली के तेल से हम प्रज्वलित करेंगे और दीपक को हम खाली नहीं रखेंगे, या फिर अक्षत डालेंगे या फिर हम सिक्का डालेंगे और इसी तरह से हमें दीपक को प्रज्वलित करना है। अब हम सभी को धूप दिखाएंगे, गणेश जी को, माता लक्ष्मी को, संपूर्ण लक्ष्मी यंत्रम को और कुबेर देवता को और धन्वंतरी भगवान जी को भी हम सभी को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद में अब भगवान धन्वंतरी जी के लिए मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास औषधीय हैं वो मैं उनको अर्पण करूँगी। इसी के साथ कुबेर देवता के दीपक को भी मैं यहाँ पर पूजा करूँगी, तिलक रोली लगाऊंगी, अक्षत अर्पण करूँगी। धनतेरस के दिन धनिया अर्पण करना बहुत ज़रूरी माना जाता है और धनतेरस के दिन धनिया, खड़ा धनिया लाया भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने धनिया अर्पण किया है। भगवान धन्वंतरी जी को मैंने एलोवेरा और गरम मसाले होते हैं, ये सभी आयुर्वेदिक चीज़ें होती है, तुलसी, ये सभी हल्दी की गांठ सभी अर्पण करी हैं। जल भी अर्पण किया है क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी जल से ही उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन के वक्त। इसी के बाद हमारे घर में जो भी रुपए पैसा ज्वेलरी हो वो भी हम यहाँ पर रखेंगे और उसकी भी हम पूजा करेंगे। और इसी के बाद में हम इत्र भी यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इत्र जो मैंने लगाया था वो सूट नहीं हो पाया था, इत्र ज़रूर से हमें लगाना है। माता लक्ष्मी की पूजा में हमें इत्र ज़रूर से अर्पण करना है। इसके बाद में भोग अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे मैं कील पता से अर्पण कर रही हूँ। इसके बाद में मिठाई मैं अर्पण कर रही हूँ और पंचमेवा भी अर्पण कर रही हूँ। आपको ये तीनों मिल जाते तो तीनों अर्पण करें, वरना आप सिर्फ कील पता से भी अर्पण कर सकते हैं। मीठा अर्पण करना होता है और सभी से ज़्यादा माता लक्ष्मी और सभी भगवान जी को कील पता से अति प्रिय हैं। इसके बाद में भोग अर्पण करने के बाद में फल अर्पण करेंगे। फल में जो भी ऋतु फल हो वो सारे फल हम अर्पण कर सकते हैं, बाकी केले का फल भी हम अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद में हम आरती करेंगे, दीपक से आरती करेंगे
और घंटी बजाकर सभी की हम अच्छे से आरती कर लेंगे। गणेश जी की, माता लक्ष्मी की, संपूर्ण लक्ष्मी अंतरम की, कुबेर देवता की, भगवान धन्वंतरी जी की, सभी की हम आरती कर लेंगे। इसी के साथ धनतेरस के दिन 13 दीपक प्रज्वलित करने का भी विधान है। और इसके बाद में अंत में हम कपूर आरती करेंगे। कपूर प्रज्वलित करके कपूर से सभी की आरती करेंगे। और आरती आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद में यहाँ पर पूजा में जो भी भूल चूक हुई है उसकी क्षमा याचना करेंगे और माता लक्ष्मी और कुबेर देवता से, भगवान धन्वंतरी जी से कहेंगे, हे भगवान जी, आप हमें आरोग्यता प्राप्त कराएं, हमारे घर में सभी निरोगी काया की तरह ही रहें। और माता लक्ष्मी, गणेश जी, आप हमारे घर में स्थायी वास कीजिए और पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो हमें क्षमा कीजिए। इसी तरह से क्षमा याचना करते हुए हमें पूजा को पूर्ण करना है और पूजा के अंदर हमें दक्षिणा जरूर से रखनी है। और इसी के साथ ये पूजा संपूर्ण हुई है। और आपको ये मेरी छोटी सी धनतेरस के दिन सरल तरीके से बताई गई पूजा कैसी लगी है मुझे ज़रूर से बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अंत में हम यहाँ पर धनतेरस की पूजा करने के बाद में यम दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अगर आपके यहाँ यम दीपक प्रज्वलित करने की प्रथा है तो ज़रूर से प्रज्वलित करें। और यम दीपक प्रज्वलित करने से हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, निरोगी काया रहती है, यम की कृपा दृष्टि हमारे घर पर बनी रहती है। तो इसी तरह से ये धनतेरस की पूजा संपूर्ण हुई। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।